क्रांति ब्राह्मण महासभा की पहली कार्य समिति है। छियानवे लोगों को हमने बुलाया था, लगभग आधे लोग आए। पहले प्रयास को अच्छा हम मान सकते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भ्रम है और जो समग्र ब्राह्मण की एकता की जो बात हम कह रहे हैं उस पर विचार तो शुरू हुआ है, लेकिन उसमें वो तीव्रता नहीं आई है जो आनी चाहिए। अनुभव सब करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिजर्वेशन है और मैं इसको गलत भी नहीं मानता। इसके पहले भी कई प्रयत्न हुए हैं कि समग्र ब्राह्मणों को एकत्र करने का, लेकिन उस एकत्रीकरण में कहीं ना कहीं उद्देश्य और लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता नहीं। मैं ब्राह्मण को इकट्ठा कर रहे, किसी के दिमाग में यह आता है कि हम इसलिए इकट्ठा होना चाहते हैं कि हमारी धीरे धीरे जो हैसियत है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, ये कम होती चली जा रही है, इसको पुनर्स्थापित करना और उसको बढ़ाने के लिए इसको करने की आवश्यकता है। ये कई बार ध्यान में आता है, इसलिए अभी जो शैलेंद्र जी कह रहे थे, जब हमने ब्राह्मण महाकुंभ किया, पहला प्रयास था और मैं समझता हूं कि लगभग सफल प्रयास था, वो इतनी बड़ी संख्या में कभी ब्राह्मण एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ इस प्रदेश में, लेकिन उसमें भी प्रश्न उठे, लोगों के मन में शंकाएं आई, भाई ये इसलिए हो रहा, क्या इसके पीछे इस बात की मनसा है कि चुनाव के पहले हो रहा है, उनकी ताकत दिखाओ और जो नेता लोग हैं इसमें जुटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टियों में विधानसभा और लोकसभा की टिकट चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। ये संदेह लोगों के मन में था और कुछ परिवारों में आज भी है, लेकिन आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि समस्त ब्राह्मण महाप्राप्ति महासभा की तरफ से, मैं उसका अध्यक्ष था और मेरी राजनीति में रुचि सबको जाहिर है, लेकिन कहीं भी आपने कोई समाचार पढ़ा हो कि चार लोग समग्र ब्राह्मण भारतीय सभा के नाम से जाकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहा कि मेरी पार्टी में टिकट देना चाहिए, नहीं कहा। मुझे कुछ लोग